नानक अगनासन जगदीश्वर पेखन सुनन सनावनो मन में दृढ़िए साच पूर रहे ओ सर्वत्र में नानक हर रंग राज पूर रहे ओ सर्वत्र में नानक हर रंग राज। मैं थोड़ा पंजाबी बिच बोलने की कोशिश करांगा, हिंदी भी बोल सकदा पर वो मेरे लिए थोड़ी कठिन है क्योंकि उहदे विच मैनूं थोड़े शब्द लभणे पैणगे ते पंजाबी थोड़ी सौखी बोल सकेगा। महाराज श्री के बच तुसीं सरवण कीते ने तो पूर रहे हो सर्वत्र मैं नानक हर रंग राज। मैं इसी विषय पे थोड़ा बोलने की कोशिश करांगा। जिस अपने आप नू असी लभण वास्ते बाहर दे पदार्थां नू वेखदे हां वो वास्तव विच बाहर नहीं, वो मेरा ही रूप है, मैं ही हूं। पूर रहे हो सर्वत्र में हर जगह विच सारिया विच समान रूप विच है, कोई भिन्न नहीं है, किसी च छोटा नहीं, किसी च वड्डा नहीं, किसी च विशेष भी नहीं है, किसी विच कम घट भी नहीं है, समान रूप विच। होया कुछ ऐसा मनुख ने उन्हूं हमेशा बाहर लभण की कोशिश की थी, अपने स्वरूप नूं भुल के उसकी भाल बार शुरू की थी। एक अंग्रेजी की पोइम पढ़ी, उस बड़ा सुंदर वचन सी, गॉड मेड दी कंट्री मैन मेड दी टाउन, गॉड मेड दी कंट्री मैन मेड दी टाउन। परमात्मा ने सारी प्रकृति की रचना की थी, वो परमात्मा ली। जिस तरह गुरु बाक है, जल थल मही अल पूरिया स्वामी सृजनहार, अनक भांत होए पसरिया नानक एक अंकार। जल विच थल विच सारे च समान रूप च इको जै रव्या होया, कितने घट नहीं कितने वद नहीं। कवि कह रहा कि परमात्मा ने देश बनाया, कंट्री बनाई, मनुख ने शहर बनाए, पुरियां बनाईया, नगर बनाए, पिंड बनाए, बस्तियां बनाईया। कदे समा मिले प्रकृति नू वेखण दा, बरसात दे मौसम विच दूर किते पहाड़ दी सैर ते जाओ, बरसात बरखा पैण तो बाद विच पहाड़ दी जितनी बनस्पति है उसनू गौर नाल वेखणा, ध्यान नाल वेखणा, बिल्कुल सजी सवरी है, प्यारी प्यारी, कामनेस शांत हरी भरी, और इस तरह प्रतीत होती जी मैं इसनू बनाने वाला नेचर का मालिक जरे जरे विच। और थोड़ा शांति ना वेखना, पता चल जाएगा कि बाकिया ईश्वर ने यह प्रकृति सारी अपने लिए बनाई है और उस प्रकृति विच ही है। मनुख की वृत्ति संकीर्ण हो गई, छोटी हो गई, इन्हें अपने लिए एक छोटा मकान बना लिया, घोंसला बना लिया, कुटीर बना ली। फिर इन्हें महसूस होया कि मेरे नाल दूजा भी होना चाहिए, दूसरे भाई दी मित्र दी नाल एक कुटीर होर बन गई। बनदिया बनदिया गली बन गई, महला बन गया, पिंड बन गया, शहर बन गया। फिर मनुख ने सोचिया
कि जिथे मैं छोटी जी थां च बैठ गया वो जरा सारी प्रकृति विच रमिया होया मैं उहदे लई भी थां बना ला थोड़ी जी थां बना ला बना ली थां थोड़ी चार दीवारी बना ली उसनू मंदिर की शकल दे दी होर चार दीवारी बनाई उसनू गुरुद्वारे की शकल दे दी होर चार दीवारी बनाई ठाकुर द्वारे की शकल दे दी दूसरे भाई ने उठ के होर चार दीवारी खड़ी की थी उन्होंने मसीह का रूप दे दिया वेख लिया उहदे विच बैठा है उहदे च बिठा लिया क्योंकि आप बहुत छोटी थां च बैठा संकीर्ण हो गया विशाल रूप से पर अपनी विशालता नूं भुल गया जिसने संग तो बिछड़िया से उहदे नाल मिल के उहदे वर्गा बनना से उस रूप में जाना से पर इन्हें अपने आप नूं सीमित कर लिया चश्मे की बूंद उस समय तक अपने रस्ते ते चलती है जब तक वो समुद्र नूं प्राप्त नहीं कर ले बूंदा रूप बहुत छोटा है पानी की बूंद नूं अपने हाथ ते रखोगे दूसरे हाथ में मलोगे पानी के बूंद का जीवन खत्म हो जाएगा अगर उस बूंद नूं तुसीं थोड़ा एक घड़े पानी विच वड्डी बाल्टी पानी विच पा दिओ उस बूंद का जीवन वड्डा हो गया बहुत छेती खत्म नहीं होएगी उस बाल्टी पानी नूं चलदे हुए छोटी नदी विच नाले विच पा दिओ उस बूंद का जीवन होर वड्डा हो गया हुण बहुत छेती उस बूंद नूं समाप्त नहीं किया जा सकता इस तों अगाह नाला चलता हुआ नदी चलदी हुई एक वड्डी विशाल नदी गंगा विच मिल गई चलती रहेगी समाप्त नहीं रुकेगी नहीं जितनी मर्जी मुश्किल आ जाए वो बूंद अपना सफर कर रही है सफर करती हुई जब तक समुद्र विच नहीं जाती मिलती नहीं उसका सफर जारी रहता भाई वीर सिंह ने एक बड़ी सुंदर रवाई कही है सीने खिच जिन्हां ने खाधी वो घर आराम नहीं बहिंदे प्रकृति की वस्तु चलती है उस पासे सूरज की किरण सूरज का रूप है सूरज नाल मिलती पहाड़ तो चश्मे का पानी निकलिया वो निमाण वालों समुद्र तकर चलता है मोमबत्ती जलाओ उस पर डब्बा रख दो बाल्टी रख दो पर प्रकाश वह जमीन वालों ही जाता ऊपर जाएगा मोमबत्ती टेढ़ी कर दो फिर भी प्रकाश ऊपर जाएगा क्योंकि उसका जड़ा जन्म है वो प्रकाश ऊपर ऊपर जाएगा मुंह नीचा करके आवाज दो धरती वालों जितने मर्जी जोड़ दी आवाज दो खूह आवाज नीचे दो आवाज ऊपर आएगी क्योंकि शब्द जड़ा आकाश का विषय है आकाश वाल जाएगी हर वस्तु जड़ी अपने आप तो बिछड़ी हुई है वो अपने असले वालों जाती है बसल वालों जाती है डेस्टिनेशन वालों जाती है टिकाने वालों जाती है केवल एक मनुख है ये अपने टिकाने वाल नहीं जाता ये अपने असले तो बिछड़िया होया भुलिया होया बस इहदा उस पासे जाण दा कोई मकसद इहदी वृत्ति बाहर नूं जा रही है संसार के नाना प्रकार के पदार्थ वेखदा है धन दौलत धी पुत्र मकान जमीन जायदाद वृत्ति दिन पर रात उस पासे नूं बह रही है कदे कदाई भी दी सोच अंदर नूं नहीं जाती जिहड़ा मेरा असल टिकाणा है मेरा डेस्टिनेशन है मैं उत्थे पुजना उधर नूं नहीं जाती तो ये जिहड़ा मनुख ने संकीर्ण रूप विच मंदिर का रूप बना लिया गुरुद्वारे का रूप बना लिया ठाकुर द्वारे की चार दीवारी बना ली सीमित होकर बैठ गया विशाल परमात्मा सारे च रमिया होया उसनूं केवल चार दीवारी च सीमित कर लिया पर चार दीवारी इत्थे तक नहीं खड़ी रही चार दीवारी नाल किसी दूसरे के विचार टकराण लग गए विचारां नाल मेल नहीं होया मेरा ख्याल विच है संसार विच बहुत सारे झगड़े फिर चार दीवारी तो शुरू हो गए चार दीवारी की किट गिर गई किसने गिराई धार्मिक विखाद का रूप बन गया झगड़े का रूप बन गया धर्म यह नहीं है धर्म झगड़ा नहीं सिखाता धर्म तो एक ऐसा मार्ग है जिस ते चल के असी अपने आप को चीनना है अपने आप को जानना है और जिस परमेश्वर तो जिस प्रभु सत्ता तो साड़ी
ऊंद बखरी हुई, उस नाल मिलाप लेना, उस नाल मिलना। जब तक वो मिलाप नहीं मिलेगा, सतगुरु का बचन है ये जीव मरदा रहेगा, जमदा रहेगा। जमे मरे, मरे फुन जमे, बहुत सजाए पया देश लंबे। कितना लंबा सफर है नहीं किया जा सकता, क्योंकि सतगुरु अगा फिर बचन करते हैं, कई जन्म पय कीट पतंगा। बत्ती चल रही है, नाना प्रकार के जीव जंतु कीड़े मकोड़े देख रहे, इन्हों का जीवन कितना है? बहुत छोटा है। पैदा हो रहे ने, बिनस रहे ने, एक पासे पैदा हो रहे ने, खंभ ला के उड़ रहे, उस वेले दूसरा जानवर उसनू खा रहा, खत्म हो रहा जीवन। पर की एक जीवन खत्म होने तो बाद मिलाप हो जाएगा? नहीं, पता नहीं कितने जी, कितने जन्म चलता रहेगा। कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन को रंगा, गज हाथी मीन मच्छी मगरमच्छ वगैरह, और कोरंगा हरण वगैरह जंगली जानवर चुपाए जानवर। नाना प्रकार की जूनियां भोगते हैं, भोगते हैं। कई जन्म है पर ब्रिख जोयो, स्थिर जूनी है, दरख्त जिथे पैदा हो जाए चलता फिरता नहीं, 100 साल 200 साल तक एक जगह खड़ा रहता है, कदे ये जूनी भी प्राप्त होएगी। मिल संजोग मिलन की बरिया, ते चिरंकाल ये देश चली। पता नहीं कितनिया 84 लाख एक बार दो बार सैकड़े बार भोगियां ने, ते पुन कर्म का फल इस मनुखा जन्म मिले। इसलिए मनुखा जन्म नू जितने भी शास्त्रकार ने, विद्वत पुरुष ने, संत भगत ने, उन्होंने इस दुर्लभ करके जाना। मानुष जन्म दुर्लभ है, होत ना बारंबार, जो बन फल पाके भोए गिरे, बहर ना लग गया डर। जीवन मिलया खो गया, क्योंकि बाहर मुख बिरती हो गई। जिन्ने दूर तक साढ़े नेत्र वेखते ने, उन्ना चिर तक नेत्रा ना देखी हुई वस्तु नू बुद्धि द्वारा असी उहदे गुण अवगुण चितारदे रहने। कदे इसनू सोच आ जाए कि जिस बाहरी पदार्थ दे वक्त नेत्रा दे विशा बन के और बुद्धि विच उस पदार्थ नू लिया के उहदे गुण अवगुण नू चितार रहे हां, इहदे नाल थोड़ा समा कितने अपने स्वैद है च लग जाए, अपने आप को जानने च लग जाए, अपने आप के गुण अवगुण विचार च लग जाए, मंजिल बहुत करीब आ जाएगी, बहुत करीब आ जाएगी। जैसा गुरु साहब का एक वाक है, आप सवार है मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। वृत्ति साड़ी की है? अन्य अन्य धर्मा विच किंतु परंतु करने विच, गुआंढ दा साड़ा गुआंढी वसदा उहदी क्रिया ते उहदे जीवन ते किंतु परंतु करन ते साड़ा विशा। साड़े बच्चे ने, पत्नी है, पुत्र है, भैण है, भाई है, उहनां दी क्रिया ते साड़ा किंतु परंतु दा हमेशा बुद्धि लगी रही। कुछ साड़े कोल जमा पिया, बुद्धि उस बारे लगी, इस नालों कितने थोड़ी हिस्सा, थोड़ा हिस्सा बुद्धि आत्म चिंतन वाल लग जाए। ये सतगुरु कहते मैं आप सवारे मैं मिले। बहुत बार बच्चों के सुधार विच, पत्नी के सुधार विच, गुआंढियों के सुधार विच, और अन्य लोगों के सुधार विच ही असीं समा गवा देने। महापुरुष वचन करते हैं ये कदे तू अपने आप नू सवारे, अपने आप विच सुधार लेने बारे सोचे, तो थोड़े समय विच तेरा सुधार हो सकता। आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। अफसोस है कि जीव अपने आप नू सवारदा ही नहीं, हमेशा दूजे का ख्याल रखता है। इसने कपड़ा किस तरह का पाया, ये शरीर ना जचता ही नहीं, इसमें
इसकी शक्ल किहो जी है, मन अच्छी नहीं लगती, इन्हें घर किहो जहा बनाया, कोई चंगा नहीं लगता, कदी पहरावे ते कदी खाने ते कदी किस ते, कदे आप सोचे तू की पहरावा बनाया, जेड़ा तेरा स्वरूप है वह कितना अच्छा, तू कितना संभालिया। संसार के पदार्थों का स्वरूप नहीं संभरेगा। कदे हिरदे विच ईश्वर का नाम बस जाए, प्रभु का चिंतन कर लग जाए, इहदा अपना संवारिया जाएगा, सुंदर हो जाएगा, अत्यंत सुंदर हो जाएगा। गुरु साहब का एक वचन है, जिस नीच को कोई ना जाने, छोटी जाति का गरीब हो, गली च हो, किस तरह का हो, उसनु कोई गली महल्ले के लोग भी ना जानते हो, जिस नीच को कोई ना जाने, नाम जपत चौकुंट ओह माने, उत्तर दक्षण पूर्व पश्चिम चारे कुंटा विच चारे दिशावां विच वो प्रसिद्ध हो जाएगा। उसनु लोग पुरख नहीं महापुरख कहते, पुरख तो असीं सारे ही हाँ, जिदे जिदे च पुरख शक्ति है पुरख है, पर महापुरख थोड़े ने, बिल्कुल थोड़े, और जो महापुरख है उन्हें कदे दूसरे नु नहीं वेख्या, वो अपने आप नु वेखदा है। एक बड़ी सुंदर कला है, कदे तुसी जीवनचर्या विच चलदे चलदे देखदे हो, घर दी सुहाणी सवेर तो शाम तक काम करदी, बच्चे संभालदी है, नहलाउंदी धलाउंदी है, स्कूल भेजदी है, खाणा देंदी है, आए रिश्तेदार परौने नूं संभालदी है, घर दा काम काज करदी है, जदों सारा दिन काम करन तों बाद थक जांदी है ते पता की कहिंदे हो तुसीं, मेरा कोई जीवन है, सवेर तो काम किया थक गया, मेरा कोई जीवन। दिनचर्या विच अध्यापक स्कूल जाता है, बच्चों को पढ़ाता है, अपनी ड्यूटी करता है, जदों शाम को वापस घर आता है वो भी यही लफ्ज कहता है, मेरा कोई जीवन है, सवेर का गया, जूझता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, पर मेरा जीवन नहीं। जिमीदार खेत में काम करता है, सवेर तो शाम तक काम करता, रुझा रहा, जदों अंत शाम को घर आता है वो भी यही कह रहा, मेरा कोई जीवन है, कोई फायदा नहीं, व्यर्थ जा रहा। भाई सारे यही कह रहे ने मेरा जीवन नहीं, पर जीवन है कित्थे, फिर जीवन कित्थे, पढ़ाउण विच नहीं, घर दे संभालण विच नहीं, खेतीबाड़ी काम विच नहीं, वणज व्यापार विच नहीं, दुकानदारी करन विच नहीं, देश परदेश भरन विच नहीं, ते जीवन है कित्थे। बस इन्ना ही फर्क है। जिस आदमी नूं इह समझ आ जाए कि बस विच मेरा जीवन है कित्थे, वो जीवन नाल जुड़ जाएगा। जब तक जीवन नाल नहीं जुड़िया, अपने आप नाल नहीं जुड़िया, उन्ना जब तक उन जीवन की सोझ ही नहीं पेगी, वो जीवन तो सखड़ा रहेगा। जो जो वो जुड़ेगा अपने आप नाल, आप सवारे मैं मिले जुड़ेगा, उन जीवन की समझ आ जाएगी, सोझी आ जाएगी। एक छोटी जी उदाहरण है, दृष्टांत है, किसी एक अमीर आदमी का एक हार खो गया, सुंदर हार सोने का कीमती खो गया, उसनु जंगली जानवर उड़न वाला इल जां बाज कोई जानवर उठा के लै गया, चुक के लै गया, खाने वाली चीज समझी चमकदार सी सुनहरी सी, उसनु जाकर के उसने अपने आलने विच रख दिता, वो अद्धा हार थले लटकता रहा और अद्धा जड़ा सी वो आलने विच पिया। सोझी आई, देखिया हार नहीं, अपने हार की भाल वास्ते उसने एक ढंडोरा पिटिया शहर विच कि अगर कोई मेरे उस कीमती हार नू लभ दे, उसनु निजमत रूप विच इनाम दिता जाए। बहुत लोगों ने सुनिया, सब दे मन च इच्छा आई कि अमीर आदमी है, अच्छा इनाम देवेगा, हार मिल जाए। एक लकड़ हारा जंगल विच लकड़ियां कट के आ रहा, वो दरखत थले आराम ले बैठे, उन्हें वेख्या उस दरखत के थले एक पानी का छप्पड़ है, तालाब है,
ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਿਆ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਰ ਲੱਭ ਲਵਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲ ਗਿਆ ਮਿੱਟੀ ਗਾਰਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹਾਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਹਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਹਾਰ ਫਿਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਰਈਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰਾ ਹਾਰ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੋ ਹਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜੋ ਪਾਣੀ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਉਤਰਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਾਰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਰ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਰ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲਣੇ 'ਚ ਅਸਲੀ ਹਾਰ ਪਿਆ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁੱਖ ਨਾਹੇ ਹਰ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸਤ ਪੁਰਸ਼ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਰੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਾ ਦੇ ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੁੱਛੋ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨਾਰਦ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਹੈ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਕੁਝ ਐਸੀ ਜਮਾਤ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਉਹ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉੱਗਵੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਆਕਾਸ਼ 'ਤੇ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਕਿਤਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਣਗੇ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਤਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਅਵਰਣ ਦਾ ਪੜਦਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਣ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਦੌੜਦਾ ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਬੂ ਆ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਮਹਾਂ ਉਦਮਾਦਾ ਖਰਕਾ ਪੈਖਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਾਦਾ ਖਰ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਤੇ 'ਤੇ ਭਾਰ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਥਰਾ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਦੋ ਕੁ ਗਿੱਠਾਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰ ਥੱਲਿਓਂ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਪੈਰ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਪੂਰਾ ਭਾਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਪੈਰ ਥੱਲਿਓਂ ਖੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਗਰ ਵੱਲ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ
उन्मद खोते की तरह खर की तरह। यह कोई शब्द गुरु का शब्द नहीं टिकन देता, उ विशेवकारा की पंड चुकता सवेर तो शाम तक बिरती, पता नहीं कितने कितने भी ऐसिया बिरतियां इसते आदि ने, सबनों संभाल पाया, सबनों उठा पाया, पर गुरु के शब्द वाल, ज्ञान देने वाले शब्द वाल, उसके वाल कदे ध्यान नहीं जाता। मैं सोच रहा सी स्वामी जी ने इतना सुंदर सब्जेक्ट रखा, इतने सुंदर शब्द कहे, एक शब्द की जड़त दूसरे शब्द नाल इतनी प्रभावशाली सी कि मैं मंत्र मुग्ध हो रहा सी, उस शब्द उतर रहा सी थले। कदे तुसी बाहर जाओगे ना, बाहर जाते जाते बिरती चार मील, छे मील, अठ मील चले जाएगी, जिनी जिनी निगाह तुहाडी अखां दी है निगाह दूर तक जा सकोगे, पर जे तुसी अंदर उतरना चाहो नहीं उतर पाओगे। कठिन रस्ता है, बहुत कठिन रस्ता। संसार विच व्यापार करना सौखा है, खेतीबाड़ी करनी सौखी है, देश प्रदेश भ्रमण करना सौखा है, ज्ञान विज्ञान बारे बहुत पता करना सौखा। संसार के बहुत बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी हुए, ग्रंथ पढ़ के विद्वान हो जाना भी बड़ा, बहुत लोग ने, बहुत विद्वान ने, पर तत्वता होना, निज स्वरूप का बोध होना, अपने आप निज स्वरूप नु जान लेना कठिन है, कठिन है, बहुत कठिन है। क्योंकि पता नहीं कितने जन्मां चो सी, किहड़े किहड़े जन्म चो आए। हुणे तुसीं सुन रहे सी कई जन्म पै कीट पतंगा, कीड़े मुड़े दी बिरति कैसी है, हरण दी बिरति कैसी है, हाथी दा कैसा सुभाव है, बैल दा कैसा सुभाव है। जे असी नाना प्रकार दियां जूनियां विच्चों आए हाँ तो साड़ी बिरती जिहड़ी उह इन्नी छेती किवें साफ हो जाएगी। गुरु कृपा करेगा, नाम दा साबण लगाएगा, बिरती साफ करेगा, बिरती साफ करदे हाँ फिर मनुखा बिरती आ जाएगी। जपजी साहब दा पहली पौड़ी पढ़ो ना, उत्थे सतगुरु कहिंदे किब सचियारा होई है, किब कूड़ा टुटै पाल। जिहड़ी कूड़े दी पाल है तो बहुत जन्मां तो पई हुई, एक जन्म दी नहीं, बहुत जन्मां तो, बहुत जन्मां दे संस्कार साडे नाल आ रहे ने, ये पाल किवें टुटे। ते अगला बचन है सूक्ष्म सूत्र रूप विच है, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। स्वामी जी कह रहे सी गुरबाणी ना हुंदी ते ज्ञान नहीं आउंदा, मुक्ति ना हुंदी। सारी गुरबाणी केवल मनुख नूं सचियारा बनाउण दा ही साधन है, मनुख सचियारा किवें बन जाए, कठिन कठिन, सचियारा बनना कठिन। पर जदों सतपुरश की संगत हो गई फिर रंग लागत 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 है लग जाएगा, आदमी निद्रा त्याग देगा, पत्नी का संग भी त्यागेगा, माया का संग भी त्यागेगा, घर का मोह भी त्यागेगा। मैं कदे सोचदा एक आदमी कोल कोठी है, वधिया कार है, सुंदर पत्नी है, कहने कार पत्नी है, बच्चे बड़े सुरदित ने, आज्ञाकार ने, सारा कुछ कोल है, मित्र दोस्त ने, पैसा बहुत है, पर पता की कहिंदा, मैं बहुत परेशान हाँ, मैं बहुत दुखी हाँ, मैं बड़ी चिंता है, एक मन शांत, एक मिनट शांत नहीं हो रहा मन। तुहाडी आम रोजमर्रा की जिंदगी इस तरह करते हो कहते हो, पर आदमी सारा कुछ त्याग देता है, सन्यासी हो गया, एक बसर सिर पहन लिया, किसी घर तो मंग के रोटी ले ली, प्रशादा दो ले ले, दो प्रशादे खा के कितने बाहर निर्जन स्थान पर बैठ गया, कितने हुण उहनूं पुछो किवें है, कहिंदा बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। जदों सारा कुछ पकड़वे सी कोई आनंद नहीं सी, बड़ा परेशान सी, बड़ा दुखी सी, पर हुण कोल कुछ नहीं, दरिद्र वर्गी जिंदगी है, किसी कोल मंग के खाने वर्गी जिंदगी है, पर अंदर आनंद है, हुण सुखी है, कहिंदा कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई ब्रेन स्ट्रैस नहीं, कोई किसी तो लैना नहीं, किसी ने कुछ देना नहीं, तो केवल की करना, केवल स्वामी जी दस के गए राम 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 राम। जिहड़ा व्यापक राम है हुण तुहाडी मंजिल उस वाल पासे शुरू हो गई, जदों साडी मंजिल पदार्थां वाले पासे सी
उस वेले सी दुखी सी चिंतित सी खो ना जाए मेरे तो वो अगे ना लंघ जाए उस को ज्यादा मेरे को थोड़ा है मेरे को घट है वो को ज्यादा है वो मेरे तो बड़ा है मैं छोटा है मेरा राजपद छोटा तो बड़ा है बड़ी चिंता सी बड़ा फिक्र सी पर जो सारा कुछ छड़ दिता हुण की होया हुण अपने आप नूं सवारन लग गया पहला दूजा नूं सवारदा है कोठी सवारदा सी कार सवारदा सी पत्नी लई सुंदर बस्त्र कपड़े अपने लई लियांदा सी सब करदा सी दुखी सी हुण छड़ के अपने आप नूं सवारन लग गया हुण हुण कहिंदा मैं सुखी हां आनंद है बस वेखण वाली गल है जब तक साडी बिरती अगां जाएगी संसार दे पदार्थां च जाएगी तो दुख ही होएगा पर कदे बिरती संकोच विच आ जाए अपने आप विच आ जाए कबीर साहब ने बड़ा सुंदर बचन किया संसार दे नाना पदार्थ कट्ठे करके भी कदे मन की तृप्ति नहीं हुंदी हुंदी है गुरु साहब कहिंदे तृष्णा बिरले ही की बूझी है तृष्णा बिरले ही की बूझी है कोट जोरे लाख करोरे मन ना हो रे परे परे ही को लुजी है पर कबीर कहिंदा तू भुलेखे च रहा बहुत समा गवा लिया कदे तू इहदे नालों थोड़ा टाइम इस पासे देंदा थोड़े तो थोड़ा टाइम देंदा जिवें कबीर साहब का एक बचन है एक घड़ी आदि घड़ी आदि हूँ फुन आद मैं वेखदा कुछ तक कन्न रस लै रहे ने कित कित नींद भी आ रही है कित कित बिस्तरे का टीवी का आनंद भी आ रहा मन तो जे वेखते तो संतां दीआं गल्लां सुनने नालों चंगी गल सी पर जिन्हां आत्मा मन भी भुख है वह तृप्त हो रहे हैं गुरु बाणी संत बचन गुरु बचन सुन के आनंद आ रहा क्योंकि आदमी ज्यों ज्यों थले उतरेगा उसनू आनंद आएगा कदे वेखना कमल फुल पानी च नहीं सुकदा जिहड़े हिरदे कमल फुल दी तरह ने वह सत्संग विच नहीं सुकदे सत्संग विच खिलदे है सत्संग विच उहनां नूं आनंद मिलदा है होर विकसित हुंदे है क्योंकि उहनां नूं वह पदार्थ मिल रहा खुराक मिल रही है जिहड़ी उहनां दे आत्मा च खेड़ा लियाएगी कबीर कह रहा सी एक घड़ी आधी घड़ी आदि हूँ फुन आद ये पुराना पैमाना है हुण दा पैमाना जिहड़ा साडे चल रहा मिंट सकेंट ये साडी भारत भूमि का नहीं है सानू भारतीयों नूं इक आदत पै गई असी हर चीज़ दूसरों तो उधारी लैने सभ्यता भी असी दूसरी अडाप्ट कर रहे ग्रहण कर रहे पैसे सिक्के का गिनती मिनती भी बाहरले देशों तो लै ली तकड़ी दे तोल बोल नूं भी असी बाहरले देशों तो लै लिया अपना भुला दिता इत्थे साडा जिहड़ा टाइम का समय का पैमाना सी ना वो विशा चसा पल खिन घड़ी मुहूर्त दिन पहर घड़िया ऐसा सी गुरु ग्रंथ साहिब च संपूर्ण दिता होया दिन ते पहर पहर ते घड़िया अब घटै तन छीजै काल अहेरी फिरै बदक ज्यों लोचन कशु न सूजै गिनती दित्ती हुई है चार पैर रात्रि है चार पैर दिन है अठ पैर तो चौबी घंटिया अठा पैर बढ़ लो तीन घंटे का एक पैर बनता तो एक पैर विच चौट घड़िया ने हुण चौटा तीन तीह तिना घंटे बढ़ लो थोड़ा जहा टाइम बनना सारा 180 चौटा ने तीन क मिनट सारे बनते कबीर कहिंदा एक घड़ी तीन सवा तीन मिनट एक घड़ी फिर आधी घड़ी हुण डेढ़ पौने दो मिनट रह गए आधी हूँ पौने दो मिनट का फिर अद्ध हो गया फुन आद भगतन सेती घोसे जो कि 900 लाभ पटियाले शहर च बहुत लोग बसते है मैं वेख्या बड़े 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 बैनर लगे लुधियाने भी देखिया लग्या होया सरहंद भी बैनर लग्या वेख्या इत्थे भी गुरुद्वारा साहब लागे बैनर लग्या वेख्या स्वामी जी की मूर्ति सी संत बाबा राम सिंह महाराज की मूर्ति सी बैनर ते लिखा होया सी चार तो लैके अठ तक पर कि पटियाले विच इतने लोग ने बहुत लोग ने सुते पे ने एक जीवन नहीं 100 जीवन सुत्या लंघ जाएगा
बहुत सुते लोग ने, असी भी सुते हुए हैं। जब साड़ी बिरती बचना तो परी चली जाएगी, सो जावांगे। जदों साडा ध्यान केंद्रित रहेगा, इनू अंग्रेजी वाले कंसेंट ऑफ माइंड कहते, कंसंट्रेशन। जब तक साड़ी कंसंट्रेशन रहेगी, मन जुड़िया रहेगा, उदों तक साडा समा सार्थक होएगा। और जिहड़ा साडे मन जुड़न तो बिना ख्याल इधर उधर जाण च चला गया, समा व्यर्थ चल जाएगा। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि हूँ फुन आद, पतन सेती गोष्टे जो कि नो सो लाभ। लाभ इसे विच ही है, हित इसे विच ही है, जिंदगी इसे विच ही है। अंत विच एक नौवीं पातशाही का शब्द कहना चाहांगा, जिसनू संसार विच मनुख मंदिर की हद विच लभदा है, कैद करके रखिया, गुरुद्वारे की चार दीवारी बन के रखिया, उन्होंने अपने रूप में ढालिया होया, ठाकुर द्वारे की हद च बन्निया, मसीत की हद च बन्निया, पर सतगुरु कहिंदे नहीं, भुलेखा रह गया, तैनू पै गया बाद विवाद च। जद तक तू उसनू अपने तो भिन्न किसी हद विच मन लएगा, उदों तक बाद विवाद च रहेगा। जदों तू उसनू अपना रूप मन लेगा, फिर कोई बाद विवाद नहीं रहेगा। जैसे सतगुरु कहिंदे, काहे रे बन खोजन जाई, एक बात सब कह रहे, काहे रे बन खोजन जाई, फर्क इन्ना ही है। मेरा ख्याल है शाम स्वामी जी कल नूं ये सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर कर देंगे। काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनवासी सदा अलेपा, तोहे संग समाई, तेरे बिच ही है। जिहड़ा तू सुनदा पिया, जिहड़ा मैं बोलदा पिया, जिहड़ा देखदा पिया, जिहड़ा सुंघदा पिया, जिहड़ा अनुभव कर रहा, उही तो है, तोहे संग समाई। कहते कैसे है, पोह पमद ज्यो बास बसत है, फुल दे विच सुगंधी बसती है, नेत्रा दा विशा नहीं है, नेत्र नहीं वेख सकते, वो नासका दा विशा है। जो नासका लागे करोगे, सुंगोगे, सुगंधी दा ज्ञान हो जाएगा। पोह पमद ज्यो बास बसत है, मुकरमा है जैसे छाई, मुकर शीशे नूं कहिंदे, शीशे के करीब तुसी जाओगे तो चेहरा शीशे च नज़र आ जाएगा, परे हो जाओ शीशे में तो कुछ भी नहीं है। जिहड़ी चीज़ शीशे के मोहरे करोगे, सन्मुख करोगे, शीशा उहदा ज्ञान करा देगा। मुकरमा है जैसे छाई, तैसे ही हर वस है निरंतर, तेरे अंदर है, तैसे ही हर वस है निरंतर, घट ही खोजो भाई, घट शरीर नूं कहिंदे, इहदे विच खोजना करो, इहदे च लभना करो, जद तक बाहर खोजोगे नहीं मिल सकेगा। सामने जाइए जीटी रोड ते, एक पासे लिखा होया जलंधर 140 किलोमीटर, दूसरे पासे लिखा होया राजपुरा 23-24-25 किलोमीटर लिखा, कुछ जाना सी राजपुरे चाहुंदे आ, बोर्ड असी पढ़ लिया, पर असी तुरे हाँ जलंधर वाली साइड नूं, तुरदे जावांगे जीवन भर, दो जीवन तुरदे जावांगे, चार जीवन तुरदे जावांगे, राजपुरा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, जाना पेगा उस रस्ते ते जिस पासे राजपुरा, बोर्ड ठीक पढ़िया, दिशा अलग चुन ली, बख चुन ली, वेद पढ़ लिया, बाणी पढ़ ली, विशा नहीं चुनिया, असली मंजिल वल नहीं गया, ध्यान हट गया। सड़क ते लिखिया दुर्घटना, ध्यान हटा दुर्घटना घटी, आम लिखिया, बोर्ड भी पढ़ लिया, अणगहली बरत ली, सड़क पार कर लगे, कार नाल बस नाल गड्डी नाल टकरा गए, कुछ नहीं होया, बच गए, जा जीवन चला गया, कदे बाजू जा लत कट गई, दिमाग की कोई मैमरी खो गई, यादिश खो गई, इतना ही नुकसान हुआ। पर ख्याल रखना, जे जीवन की मंजिल तो तिलक गए
मनुखा जन्म दे विच एक घटना वापर गई, फिर की होएगा? फिर एक जन्म नहीं, कई जन्म, कई जन्म खो जाएंगे। ऐसी दुर्घटना घटेगी कि मुड़ मंजिल नहीं हाथ आएगी। गुरु साहब का एक वचन है, 84 लख जोन उपाई, मानस को प्रभ दी वड्याई, इस पौड़ी ते जोनर चूकै सो आए जाए दुख पाएंदा। नहीं मिलेगा टिकाणा। इसलिए मनुख हमेशा गुरु शब्द नू चिंतन करदा, अपने स्वय ध्याय नू, अपने आप नू सोचने की कोशिश करे। सतगुरु कह रहे सी जिन्हों तू चिंतन करना है, बस विच तू ही है, अपने आप का चिंतन करना। सो मेरो है आत्मा कांकू करू प्रणाम, वो मेरी आत्मा मैं ही है, अपने आप नू जानना है, प्राप्त तो करना ही नहीं। जे तो रब साढ़े को गुआचिया हो तो लभ लीए, लभण वाली वस्तु नहीं, उही दे विच बोलता पिया, उही सुनता पिया, उही देखता पिया, उही अनुभव करता। सतगुरु कह रहे सी पोहप मध ज्यों बास बस्त है, मुकर माहे जैसे छाई, तैसे ही हर वसै निरंतर, घट ही खोजो भाई। फिर बाहर भीतर एको जानो, अंदर ते बाहर। नवां नलके दा बोर कराउने असीं, मशीन नवीं है, बोकी नवीं है, पैप नवा है, मिस्त्री कोल खड़ा है, फिट कर दिता, सारा दिन गेड़ते जाओ, हैंडल चलाते जाओ, पानी की बूंद नहीं आती, आती नहीं आती। पर एक लीटर पानी एक डब्बा भावें गंदी बाल्टी चो पानी चुक के उपर पा दो, 5-7-10 बारी उस हैंडल नू चलाओ, फिर की होएगा? पानी आ जाएगा, आ जाएगा। दिन भर चलाते जाओ, रात चलाते जाओ, 100 घड़ा भर लो, 200 घड़ा भर लो, नहीं मुकेगा। पानी तो पहला भी सी, उपरों पानी पाना पिया, उहदे विच वैकम सी, खालीपन सी, हवा सी, पानी पैण नाल हवा बाहर आ गई, पानी नाल पानी का मिलाप हो गया। जदों मिलाप हो गया, हजारा घड़े भर गए, खाली नहीं होंगे। चेतन साढ़े अंदर ही है, प्रभु साढ़े अंदर ही है, पर जिहड़ा साडा चित बाहर भ्रम रहा, बाहर घूम रहा, कदे उसनू मोड़ के चेतन दे नाल जुड़ना है। चित चेतन नाल जुड़ जाए, एक तार आ जाएगी, एक बहन बग जाएगा, वो अंदर का प्रभु, अंदर का चिंतन, अंदर का चेतन जड़ा है, वो साक्षात रूप हो जाएगा। सतगुरु कह रहे बाहर भीतर एको जानो, दोनों जगह च वही बाहर है, वही अंदर है, तुहाडे विच भी वही, मेरे च भी वही है, कोई फर्क नहीं, समान रूप विच है। घट घट में हर जू बस है, जल थल में ही अलपूरिया, ना ना ऐसे वाक ने गुरबाणी दे जड़े इस वाक नू स्थिर करते ने, बाहर भीतर एको जानो। कौन दसेगा? एहो गुर ज्ञान बताई, गुरु ये ज्ञान दसेगा। एहो गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, निज स्वरूप नू अपने आप नू जाने तो बिना मिटे ना भ्रम की काई। ये भ्रम करके जो कुछ भास रहा, दिखाई दे रहा, जड़ी सारी बिरती आभास रूप विच हो करके, भ्रम रूप विच हो करके संसार नू देख रही है, ये फिर मिथ्या नजर आएगा। केवल वो ईश्वर, वो सत, वो चेतन, वो आनंद स्वरूप, इहदा अपना ही स्वरूप होएगा। इहो गुरु ज्ञान बताई, एक बचन अंत च कह के खिमा चाहुणी। सतगुरु कहिंदे इस दी प्राप्ति किवें होएगी? पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे, पूर्व जन्मां दे कीते हुए शुभ कर्म उहनां विच जदों कट्ठे हो के उहदे चों अंकुर पैदा होएगा, वो उगण ते आ जाएगा, पैदा होण ते आ जाएगा। जब प्रगटे पेट्यो पुरख रसक बैरागी, महाराज स्वामी जी जैसा को पुरुष मिल जाएगा, चलते चलते रस्ते च मिल जाएगा, कार विच मिल जाएगा, स्टेशन बस स्टैंड ते किते मिल जाएगा, खेत के किनारे मिल जाएगा, गंगा के किनारे मिल जाएगा, भाग जदों उदे होणगे। पेट्यो पुरख रसक बैरागी, ते मिलने नाल की होएगा? मिट्यो अंधेर, जन्मां जन्मांतरां दा अग्ञान दा पर्दा जिहड़ा पिया होया,
साड़ी बुद्धि मलीन होई है, बशैली होई है, विषयकार होई है, विषय में आनंदत है, वह बुद्धि जड़ी है ना उज्जल हो जाएगी, मिट्यो अंधेर अज्ञान रूपी अंधेर तिमर दूर हो जाएगा। मिलत हर नानक, तो फिर की होगा, जन्म जन्म की सोई जागी। साड़ा अपना स्वरूप, निज स्वरूप स्वैद है ना प्रगट हो जाएगा, गुरु की कृपा होगी। जग्यासु नू जदों रसक बैरागी पुरख मिल गया, फिर यदि आत्मक मंजिल ते पहुँच जाएगा। बस इन्ना कह के खिमा चाहुंदा। ओम सत 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 सत। आप सबको मालूम ही है प्रातःकाल योगासन और ध्यान, इस बार ध्यान कराएंगे बहुत, और कल शाम की सभा में भी जो 3 बजे होगी उसमें भी महाराज जी संत 108 तेजस सिंह जी महाराज शाम की सभा में भी और रात्रि में भी आशीर्वाद देंगे। और अभी मुझे लिस्ट याद नहीं है कल कौन कौन आएगा, पर इतना मालूम है कि परसों रितंभर अभी आएंगे। तो अन्य सूचनाएं प्रातः काल दे देंगे पूछने के बाद कल कौन कौन आएगा, पर अधिक से अधिक संख्या में सुबह का, शाम का और कल रात का लाभ लीजिए। सुबह अवश्य आइए, सुबह साधना का बहुत अभ्यास कराएंगे जिससे आप ध्यान में जा सकेंगे। शाम की और रात्रि की सभाओं में चिंतन परक बातें, और सुबह शरीर की दृष्टि से, मन की दृष्टि से, एकाग्रता और स्वास्थ्य की दृष्टि से योगासन जो अन्य वर्षों में भी कराते थे इस वर्ष भी कराए जाएंगे। प्रातःकाल की सभा ठीक 6 बजे से 6:30 बजे तक योगासन और 6:30 से 7:30 बजे तक ध्यान साधना के रूप में होगी। दोपहर की 3 से 5 बजे और रात्रिकालीन सभा 7 से 10 बजे तक। और सम्मेलन के लिए जो बस सेवा है वो बहादुरगढ़ एवं रवि अस्पताल, अर्बन एस्टेट, सील, DCW, बाजवा कॉलोनी, आनंद नगर, त्रिपुरी टाउन और सन्नौर। अभी हम यहाँ से आरती के पश्चात जाएंगे। अमेरिका से आई हुई वैलरी जी एक अभी यहाँ पर आरती कराएंगी और हम लोग